हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे खस्ता नमक पारे बच्चों के लिए। तो ये देखिए, ये इतने खस्ता बनेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल मैदा, दो चम्मच सूजी, नमक और अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं भी, थोड़ा सा देसी घी या फिर डालडा रिफाइंड, जो आप चाहें, थोड़ी सी चिकनाई मतलब। तो ये सभी सामान मैंने निकाल लिया है। और बच्चों के लिए जब हम बनाते हैं तो थोड़ा आटा भी मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि मैदा थोड़ी अनहेल्दी होती है। अब मैदा में ये मैंने नमक, कसूरी मेथी और अजवाइन मिक्स करके चिकनाई डाल ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदा का ये देखेंगे कि जब इसका ये लड्डू की तरह बन गुथने लगेगा इस तरीके से, तो समझिए हमारी मैदा नमक पार, खस्ता नमक पारों के लिए तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर धीरे धीरे हम इसकी लोई बना लेंगे। ये अब हमारी मैदा तैयार हो चुकी है। ये ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अब इसकी हम दो लोइयां बना लेंगे। बनाने के बाद हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा ना ही इसे पतली बेलिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको कटिंग कर लीजिए। मैं तो ऐसे पतले पतले थोड़े लंबे लंबे नमक पारे काटती हूँ। अब ये हमने इस एक फ्राई पैन में चिकनाई चढ़ा ली है। मैंने डालडा और रिफाइंड आधा आधा मिक्स किया है। अब हम इसमें डाल के देखेंगे। अब ये हमारी चिकनाई गर्म हो चुकी है। अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। इसे तलते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाना है। अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो हमारे नमक पारे ऊपर से सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीमी धीमी आंच पर ही अंदर तक अच्छे से सिक के खस्ता बनते हैं। ये देखिए, ये मेरे नमक पारे तैयार हैं।